गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SR बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो इस जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर में अपन ने कल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि जनन की डेफिनेशन क्या है, लैंगिक द्विरूपता किसे कहा जाता है, फिर उसके बाद अपन नर और जनन, नर और मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में स्टडी करा, फिर उसके बाद थोड़ा नर और जो भी डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखने के बाद अपन ने उसका जीवन चक्र, जो भी लाइफ साइकिल होता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है उसके बारे में देखा। सेकंड इज फिर अपन ने जननांगों के बारे में देखा कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, प्राथमिक जननांग क्या होते हैं, द्वितीयक जननांग क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने डिटेल से देखा। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है कि नर जनन तंत्र, जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र होता है वो कहाँ स्थित होता है। पहले अपन बात करेंगे जो नर जनन तंत्र होगा वो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होगा। नर जनन तंत्र कहाँ होगा? श्रोणि क्षेत्र में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? श्रोणि क्षेत्र में, जिसे आप पेल्विस रीजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पेल्विस रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल्विस रीजन में स्थित होगा। दूसरी कंडीशन है, जो नर जनन तंत्र होता है उस नर जनन तंत्र में मनुष्य के निम्न भागों को सम्मिलित किया जाएगा। क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा? फर्स्ट भाग आपके वर्षण कोष को सम्मिलित किया जाएगा, सेकंड पॉइंट वर्षण को सम्मिलित किया जाएगा, किसको सम्मिलित किया जाएगा? वर्षण को सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अधिवर्षण को सम्मिलित किया जाएगा, किसको सम्मिलित किया जाएगा? अधिवर्षण को सम्मिलित किया जाएगा। अधिवर्षण के साथ उसमें शुक्रवाहिनी को इंक्लूड किया जाएगा, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद शुक्राश्य, शुक्रवाहिनी के बाद किसको इंक्लूड किया जाएगा? शुक्राश्य। फिर उसके बाद इसमें सीसन को इंक्लूड किया जाएगा और सीसन के बाद उसमें जनन ग्रंथियों को सम्मिलित किया जाएगा, या आप कह सकते हो सहायक ग्रंथियों को सम्मिलित किया जाएगा। किसको सम्मिलित किया जाएगा? सहायक ग्रंथियों को सम्मिलित किया जाएगा। सेवन पॉइंट कौन सा रहेगा? सहायक ग्रंथियां। क्या रहेगा? सहायक ग्रंथियां सम्मिलित की जाएगी। तो आपने क्या 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 देखा इसमें कि जो नर जनन तंत्र होता है वो श्रोणि क्षेत्र में व्यवस्थित होता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। साथ में अपन ने कहा कि जो नर जनन तंत्र होता है उसमें विभिन्न भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट वर्षण को, सेकंड पॉइंट वर्षण, तीसरा पॉइंट अधिवर्षण, फिर शुक्रवाहिनी, फिर शुक्राश्य, फिर सीसन, फिर सहायक ग्रंथियां, इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे अपन इन पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें थ्योरी लिखते हैं। नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है? नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र या पेल्विस, श्रोणि क्षेत्र या पेल्विस रीजन में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, पेल्विस रीजन में स्थित होता है। नर मनुष्य में जनन तंत्र के निम्न भाग पाए जाते हैं, निम्न भागों को सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित भी कर सकते हो, क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा? फर्स्ट पॉइंट वर्षण कोष, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्षण कोष, जिससे आप क्या बोल सकते हैं? स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक बोल सकते हो या स्क्रोटम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? स्क्रोटल सेक या स्क्रोटम इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा? वर्षण,
वर्सन में आप बोल सकते हो टेस्टिस। थर्ड पॉइंट रहेगा अधिवर्षण। थर्ड पॉइंट कौन सा रहेगा अधिवर्षण, जिसे बोला जाएगा एपिडिडाइमिस। थर्ड पॉइंट कौन सा रहेगा एपिडिडाइमिस। फोर्थ पॉइंट रहेगा अधिवर्षण के बाद शुक्रवाहिनी। थर्ड पॉइंट कौन सा रहेगा, फोर्थ पॉइंट कौन सा रहेगा शुक्रवाहिनी, जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। उसके बाद फाइव जो पॉइंट रहेगा, फाइव पॉइंट में क्या रहेगा शुक्राशय। फाइव पॉइंट कौन सा रहेगा शुक्राशय रहेगा, जिसे बोला जाएगा सेमाइनल वेसिकल। कौन सा रहेगा सेमाइनल वेसिकल। सिक्स पॉइंट कौन सा रहेगा, सिक्स पॉइंट रहेगा सीसल, जिसे बोला जाएगा पेनिस। सेवन पॉइंट कौन सा रहेगा सहायक ग्रंथियां, जिसे आप क्या कह सकते हो एसेसरी ग्लैंड। क्या बोला जाएगा एसेसरी ग्लैंड बोला जाएगा। इस प्रकार से आपके कौन कौन से पॉइंट हो गए, सेवन पॉइंट हो गए। इन सेवन पॉइंट का अपन डिस्क्राइब देखते हैं। नर्जनन तंत्र का आरेख है, इस नर्जनन तंत्र का आरेख बना लेना। कोई डायग्राम में कोई समझने में दिक्कत आए तो कमेंट लिख करके भेज देना, इसका अलग से फिर आपको पिक्चर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो नरजनन तंत्र में अपन ने बात करी है कि नरजनन तंत्र में सेवन पार्ट्स होते हैं जिनका अपन डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था वर्षण कोश या स्क्रोटल सेक या स्क्रोटम। जो वर्षण कोश होता है वो एक थैले नुमा संरचना होती है, और इस थैले नुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं वर्षण पाए जाते हैं। इस थैले नुमा संरचना में क्या पाए जाते हैं वर्षण पाए जाते हैं। और ध्यान में रखना इस वर्षण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो वर्षण कोश को कम टेम्परेचर पर रखता, जो वर्षण को वर्षण कोश क्या करता है, जो वर्षण पाया जाता है, क्योंकि वर्षण कोश के अंदर ही क्या पाया जाता है वर्षण पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, और इस टेस्टिस को कम टेम्परेचर पर शरीर के जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उस शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम बनाए रखने का काम करता, जो एक तरह से शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। यदि किसी कारणवश किसी के वर्षण को वर्षण शरीर के अंदर वदर गुहा में स्थित रह जाए तो उस कंडीशन में शुक्राणु का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा और उसमें वो बंदे होने की संभावनाएं रहेगी। तो ध्यान में रखना वर्षण कोश स्थित होता है, वर्षण कोश होता है, इस वर्षण कोश में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं वर्षण पाए जाते हैं, और एक जोड़ी जो वर्षण होता है उस एक जोड़ी वर्षण के साथ क्या अटैच होता है अधिवर्षण होता है। अधिवर्षण में भी शुक्राणुओं का कलेक्शन होता है, ज्यादा टाइम तक शुक्राणुओं को यहाँ पर परिपक्व होने के लिए तैयार रखा जाता है। फिर अधिवर्षण खुलती है शुक्रवाहिनी में, यह शुक्रवाहिनी भी दो जोड़ी होती है अधिवर्षण। ध्यान में रखना वर्षण भी एक जोड़ी होगा, अधिवर्षण भी एक जोड़ी होगा, वर्षण भी एक जोड़ी होगा, मतलब संख्या में दो होंगे। उसके बाद शुक्राशय भी संख्या में दो होंगे, मतलब एक जोड़ी होगा। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक जोड़ी होगा, स्कलन वाहिनी रहेगी, बल्ब और यूट्रल ग्लैंड रहेगी। पूरा देखा जाए तो जो ये वाला जो है ये मूत्र मार्ग है, ये क्या हो जाएगा मूत्र मार्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगला भाग दे रखा है सीसन दे रखा है। सीसन में क्या दे रखा है टू पार्ट दे रखा है सीसन में। एक तो सीसन जो आगे होता है एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। सीसन में क्या पाया जाती है फूली हुई संरचना पाई जाती है,
जिसे शिशन मुंड कहा जाता है। जो शिशन मुंड होता है ना, शिशन मुंड बाहर की ओर एक पतली लचीली त्वचा का वलन पाया जाता है, उस त्वचा के वलन को प्रीप्यूस कहा जाता है, त्वचा वलन पाया जाता है जिसे प्रीप्यूस कहा जाता है। जब नर में लैंगिक उत्तेजना होती है उस टाइम पर जो प्रीप्यूस होता है वह शिशन मुंड को क्या कर देता है, शिशन मुंड का जो आवरण होता है, ऐसे जब शिशन जो शिशन होता है वो शिथिल अवस्था में रहता है, उस शिथिल अवस्था में क्या होता है उस शिशन मुंड को प्रीप्यूस या त्वचा वलन उसको पूरा घेरे रखता है, जैसे उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है तो उत्तेजना के दौरान क्या होता है ये प्रीप्यूस क्या होता है उस शिशन मुंड से, जो शिशन मुंड होता है उस शिशन मुंड को हटा देता है, हट जाता है वहां से। तो उसे तो ये कंडीशन है। शिशन में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है, कॉर्पोरा कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक होती है जो कि अदरीय स्थिति में पाई जाती है, कॉर्पस कैवर्नोसम पृष्ठ की होती है, इसकी संख्या एक होती है। इस प्रकार से ये आपका एक नरजनन तंत्र का डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना या इसको आप वीडियो पॉज करके बना सकते हो, ठीक है ना। इसके बारे में आप थोड़ी लिखते हैं, पॉइंट स्टार्ट होगा, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा वर्षण कोश या स्क्रोटल से या स्क्रोटम। इसमें क्या बोला अपन ने कि जो एक तो वर्षण क्या होता है, वर्षण क्या होता है, वर्षण कोश क्या होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर वर्षण पाए जाते हैं, एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जो शरीर के तापमान को क्या करते हैं, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इनका काम कम रहता है। वर्षण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो अपन इसमें लिखते हैं वर्षण एक छोटे थैलेनुमा वर्षण एक छोटे थैलेनुमा संरचना में स्थित होते हैं। वर्षण एक छोटे थैलेनुमा संरचना में स्थित होते हैं और यह थैलेनुमा संरचना उदर गुहा के नीचे व बाहर की तरफ स्थित होता है, बाहर की तरफ स्थित होता है जिसे वर्षण कोश कहा जाता है, जिसे वर्षण कोश कहते। अब क्या होता है, इसका तापमान क्या होता है, इसका तापमान, वर्षण कोश का तापमान की बात कर रहे हैं, इसका तापमान शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, जो शुक्र जनन के लिए किसके लिए उत्तरदायी होता है, जो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, जो शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी होता है। आप अथवा में लिख सकते हो, ये याद, ये वाला याद नहीं हो तो दूसरा याद कर सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, शरीर में वर्षण
उधर गुहा के बाहर, उधर गुहा के बाहर एक थैले नुमा, एक थैले नुमा संरचना में, थैले नुमा संरचना में स्थित होते हैं जिसे वर्षण कोष कहा जाता है, जिसे वर्षण कोष कहते हैं। अब वर्षण कोष क्या काम करता है, वर्षण कोष क्या काम करता है, वर्षण वर्षण कोष, वर्षण कोष वर्षणों के, वर्षण कोष क्या काम करता है, वर्षण वर्षण कोष वर्षणों के तापमान को, वर्षणों के तापमान को कम करने में, वर्षणों के तापमान को कम करने में सहायक सहायक होते हैं। क्या होते हैं वर्षणों, वर्षण कोष क्या काम करते हैं, वर्षण कोष वर्षणों के तापमान को कम करने में क्या करते हैं, वर्षणों के तापमान को कम करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो शरीर के, जो शरीर के तापमान से, जो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, कितना होता है, जो शरीर के तापमान से कितना होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो दोबारा लैंग्वेज समझ लेना कि वर्षण क्या होता है, एक छोटे थैले नुमा संरचना में स्थित होता है। इस ये थैले नुमा क्या होता है, उधर गुहा के बाहर की ओर स्थित होते हैं जिसे वर्षण कोष कहा जाता है। और इस वर्षण कोष का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आया को समझ में, इसको आप लिख लेना, राइट डाउन करते रहना इस, और इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, नोट लिख लेते हैं, एक दो नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या है, प्रत्येक वर्षण वर्षण कोष की दीवार द्वारा वर्षण कोष की दीवार द्वारा एक लचीली संरचना द्वारा कौन सी संरचना, एक लचीली संरचना द्वारा जुड़ा होता है, एक लचीली संरचना द्वारा जुड़ा होता है। और इस लचीली संरचना को क्या बोला जाता है, जिसे गुबर ने कूलम कहा जाता है, जिसे गुबर ने कूलम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुबर ने कूलम कहा जाता है। क्या हुआ, जो वर्षण होता है वो वर्षण कोष की दीवार द्वारा एक लचीली संरचना से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्षण कोष कहा जाता है। क्या होता है कभी कभी, अगली कंडीशन है, कभी कभी वर्षण, देखना, वर्षण कोष में
कभी कभी वर्षण वर्षण कोश में उतर नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाते हैं और वह स्थायी रूप से उधर गुआ में ही रह जाते हैं। स्थायी रूप से कहाँ रह जाते हैं? उधर गुआ में रह जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इस अवस्था को गोपिक वर्षणता या क्रिप्टोकाइडिज्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गोपिक वर्षणता क्रिप्टोकाइडिज्म कहा जाता है। और इनमें उच्च ताप के कारण शुक्र जनन नहीं हो पाता है, शुक्र जनन नहीं हो पाता है, जिसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। कौन कौन सी टर्म होगी? गुबेरनिकुलम क्या होगा? जो वर्षण कोश होता है, उस वर्षण कोश में जो वर्षण होता है वो वर्षण कोश की दीवार से एक लचीली संरचना के द्वारा जुड़ा रहेगा, जिसे क्या बोला जाएगा? गुबेरनिकुलम कहा जाता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि जो वर्षण होते हैं ना, वो वर्षण कोश के अंदर उतर नहीं पाते और वो परमानेंट रूप से कहाँ पर रह जाते हैं? उधर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे क्या होता है? उनमें शुक्रजनन की क्रिया नहीं हो पाती। शुक्रजनन की क्रिया इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होने के कारण उनमें शुक्रजनन नहीं हो पाएगा। और वर्षण कोश में क्या होता है? शरीर के तापमान से कम होता है, इसलिए शुक्रजनन हो पाएगा। तो दोनों कंडीशन वही हो रही है कि वर्षण कोश में उतर नहीं पाएंगे, इस तरह से उधर गुहा में हो जाएंगे। इस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है? उच्च ताप के कारण शुक्रजनन नहीं हो पाता है, जिसे एजोस्पर्मिया कहा जाता है। आया समझ में? अगला है वर्षण नाशन में क्या होगा? कैस्ट्रेशन में क्या होगा? शल्यक्रिया के द्वारा जो वर्षण होंगे ना, उनको हटा दिया जाएगा। शल्यक्रिया के द्वारा वर्षणों को निकाल देना वर्षण नाशन कहलाता है। शल्यक्रिया द्वारा हटा देंगे। या गाँव में क्या किया जाता है? जो सांड होता है, सांड के वर्षणों को क्या कर दिया जाता है? उनको तोड़ दिया जाता है या उनको काट दिया जाता है और उनको अलग कर दिया जाता है शल्यक्रिया के द्वारा। तो इस कंडीशन को क्या हो जाएगा? वर्षण नाशन कहा जाता है। वर्षण का नाश करना, जिससे क्या होगा? वर्षण नाशन के कारण जो भी जंतु होगा वो अधिक मेहनती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक मेहनती हो जाएगा, आज्ञाकारी हो जाएगा, क्योंकि जो बेल होता है वो वर्षण नाशन के कारण अधिक सिंसियर हो जाता है। लेकिन जो सांड होता है, उस सांड थोड़ा खतरनाक अग्रेसिव नेचर का होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? इसमें लिख लो, शल्यक्रिया द्वारा वर्षण को निकाल देना, शल्यक्रिया द्वारा वर्षण को
संलय क्रिया द्वारा वर्षण को निकाल देना, वर्षण को निकाल देना या वर्षण को या वर्षण को तोड़ देना या नष्ट कर देना वर्षण नाशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षण नाशन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वर्षण नाशन कहलाता है। और वर्षण नाशन के कारण वर्षण नाशन के कारण क्या हो गया? जंतु क्या हो जाएगा? अधिक मेहनती हो जाएगा और आज्ञाकारी हो जाता है। अधिक मेहनती और आज्ञाकारी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ले तो कुल, तो आपको टर्मिनोलॉजी हुई, एक तो गुवर्ने कुलम की टर्मिनोलॉजी हुई, क्रिप्टोकाइडिज्म की टर्मिनोलॉजी हुई, वर्षण नाशन की टर्मिनोलॉजी। वर्षण कोष में आप क्या लिखो, ध्यान रखोगे कि वर्षण जो कोष होता है एक थैले नुमा संरचना होती है। दूसरी कंडीशन, इसका टेम्परेचर शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इसलिए ये शुक्रजनन के लिए आवश्यक होता है। दूसरी कंडीशन है गुबरने कोलम, क्या था, जो वर्षण होता है वो वर्षण कोष में एक लचीली संरचना के द्वारा, लचीले तंतुमय संरचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसे गुबरने कोलम कहा जाता है। क्रिप्टोकाइडिज में क्या होता है, कभी कभी जो वर्षण होते हैं वो वर्षण कोष में उतर नहीं पाते, परमानेंट उधर गुहा में ही रह जाते हैं, इस कंडीशन को अपन क्रिप्टोकाइडिज कहा जाता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है वर्षण नाशन, मतलब वर्षण नाशन से मतलब कैस्ट्रेशन से मीन्स है कि वर्षण को संलय क्रिया के द्वारा तोड़ना या उनको अलग करना वर्षण नाशन कहलाता है। तो आज केवल और केवल अपना डायग्राम हुआ है और वर्षण कोष के बारे में उससे रिलेटेड नॉलेज है। तो कल आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो आज इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हो।